रमजान के पावन महीने में यह न्याय अल्लाह का नियम मैं मान सकता हूँ, उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। 28 मार्च की देर रात जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। अंसारी की मौत पर लोग दो मतों में बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि अंसारी को जेल में ही स्लो पॉइजन देकर मारा गया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि उसकी मौत उन लोगों के लिए इंसाफ है जिनके जुर्म में अंसारी जेल में कैद था। मुख्तार अंसारी की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने क्या कहा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या लिखा, उत्तर प्रदेश में पूर्व DGP OP सिंह ने क्या बताया और सबसे अहम पीयूष राय ने अंसारी की मौत पर क्या कहा, ये सब हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं ओवैसी से। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में ओवैसी ने लिखा, अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाए, उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करें। गाजीपुर के आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। ये निंदनीय और अफसोसजनक है। ओवैसी ने सीधे सीधे प्रशासन को गैर जिम्मेदार बताया। इसके अलावा मायावती ने भी हत्या की आशंका जताई और उचित जांच का अनुरोध किया है। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जाँच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है, कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मामले में कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का बयान भी सामने आया। बता दें कि कृष्णानंद राय ने 2002 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हरा दिया था और BJP विधायक चुने गए थे। इसके बाद से कृष्णानंद और अंसारी में रंजिश थी, जिसके बाद साल 2005 में अंसारी गैंग ने कृष्णानंद राय की हत्या कर दी थी। अब उनके बेटे पीयूष राय का कहना है कि मुख्तार की मौत ऊपर वाले का न्याय है। पीयूष राय ने और क्या कहा, खुद ही सुनिए। वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने स्पष्ट किया कि हार्ट अटैक से हो, तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें, हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का नियम मैं मान सकता हूँ, उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी के बना है। जहर दिए जाने के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP OP सिंह का कहना है कि अंसारी पहले से ही बीमार थे, ऐसे में जहर दिए जाने की बातें बेबुनियाद हैं। पूर्व DGP ने और क्या बताया, आप वो भी सुनिए। मुझे याद है कि जब मैं DGP था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी प्रशासन पर लगाए जा रहे आरोपों पर अड़े हैं। उनका कहना है कि उनके पिता को मारा गया है, अब वो न्यायपालिका का रुख करेंगे और उन्हें अब प्रशासन पर विश्वास नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट आता है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे ललन टॉप UP को। शुक्रिया।